मालपुआ तो आपने बहुत खाई होगी, एक बार मेरे बताए अनुसार मालपुआ बनाकर देखो, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? मित्तल किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट मालपुआ। चॉकलेट मालपुआ बनाने के लिए आप सबसे पहले आप कोई भी एक कंटेनर लें। मैं यहाँ एक कढ़ाई का यूज कर रही हूँ और अब हम उसमें डालेंगे एक कटोरी जितना आटा, पौने कटोरी जितना मैदा, आधा कटोरी जितना सूजी, आधा कटोरी छोटी कटोरी से मिल्क पाउडर, आधी कटोरी घसी हुई पनीर, एक कटोरी जितना घर का निकला हुआ मावा, मैंने यहाँ फ्रेश मावा का यूज किया है, एक टेबल स्पून इलायची पाउडर। आप इलायची को कूट के उसका छिलका अलग करके इसमें डालते हैं। एक टेबल स्पून सौंफ और चॉप्ड ऑलमंड्स और केसियो। मैंने यहाँ काजू और बादाम का यूज किया है। आप इसमें किशमिश और अपनी मनचाही ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम एक चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें भिगोया हुआ केसर डालेंगे। इसके लिए मैंने केसर को दूध में आधे घंटे पहले डालकर छोड़ दिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास केसर हो तो डाल दें, नहीं स्किप कर दें। और अब हम इसमें आधा ग्लास जितना दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से विस्क की मदद से चलाएंगे। आप एक बार में सारा दूध का यूज ना करें। मैंने यहाँ टोटल एक ग्लास जितना दूध यूज किया है, जिसे मैंने थोड़ी थोड़ी करके डाला है और फिर इसे विस्क की मदद से अच्छी तरीके से फेंटा है। आप इसे चम्मच की मदद से भी मिला सकते हो, बट आपको ये बात ध्यान में रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार का लम्स ना रहे, अदरवाइज हमारा मालपुआ फ्राई करते टाइम पैन में चिपक सकता है। इसे हमें 5 मिनट तक अच्छी तरीके से फेंटना है। इस काम के लिए आप किसी दूसरे का भी हेल्प ले सकते हो। हमें एकदम स्मूथ सा बैटर चाहिए, जैसा कि हमारे केक का बैटर होता है उसी टाइप का। मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क को 4 पार्ट में डाला है। हमें बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा थिक चाहिए, तभी हमारा मालपुआ सही से बनकर रेडी होगा। आप देख सकते हैं मेरी बैटर की कंसिस्टेंसी किस प्रकार की है। बाद हम बैटर को फ्रीज में ठंडे होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी चाशनी बनाते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए हमें 1 कप चीनी चाहिए और 1 कप पानी। उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे जब तक कि चीनी पानी में मेल्ट ना हो जाए। जब चीनी पानी में अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए तो हम इसमें 1 टेबल स्पून जितना इलायची पाउडर, 1 टेबल स्पून जितना गुलाब जल, गुलाब जल अगर आपके पास ना अवेलेबल हो तो आप इसमें केवड़ा जल भी डाल सकते हो। और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमें चाशनी की कंसिस्टेंसी गुलाब जामुन की चाशनी की कंसिस्टेंसी की तरह ही रखनी है। इस काम में हमें 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। इसके बाद जब हमारा चाशनी थोड़ा चिपचिपा होने लगे तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। और अब आप अपने मालपुआ को फ्रीज से निकाल लें। इसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून जितना कोको पाउडर डालेंगे और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब आप चाशनी बना रहे हो उसी समय आप लो फ्लेम पर मालपुआ फ्राई करने के लिए घी या ऑयल चढ़ा दें। मैंने यहाँ घी का यूज किया है। हम अपने मालपुआ को फ्राई करेंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको मालपुआ को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है और आप इसे बीच बीच में उलटते रहें। इससे हमारे मालपुआ में बहुत ही अच्छा कलर आता है और वो दोनों साइड से अच्छी तरीके से इक्वली पकता है। जब हमारा मालपुआ थोड़ा फ्राई हो जाए तो आप इसमें दूसरी मालपुआ का बैटर भी डाल सकते हो। जब हमारा मालपुआ कच्चा हो तो आप इसमें दूसरा बैटर ना डालें, नहीं तो दोनों मालपुआ चिपक जाएगा। और इसे उलटते पुलटते हुए अच्छी तरीके से पका लें। जब ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से पक जाए तो अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे और अब हम इसे चाशनी में अच्छी तरीके से डिप करेंगे। आप इसी तरीके से सारे मालपुए को फ्राई करके चाशनी में अच्छी तरीके से डिप कर लें और इसे 2 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ दें ताकि हमारे मालपुआ के अंदर तक चाशनी चला जाए। और अब हम मालपुए की प्लेटिंग करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले एक प्लेट में अपने सारे मालपुए को डालें। हमारे मालपुआ का कलर आप देख सकते हो कितना चॉकलेटी और कितनी टेस्टी लग रही है। और अब हम इसे चॉकलेट सिरप से गार्निश करेंगे और अब हम इसमें ऊपर से चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। हमारा मालपुआ कितना यमी और कितना चॉकलेटी बना है आप देख सकते हो।
और इसके अंदर तक शुगर सिरप भी अच्छी तरीके से गया है। गाइज, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अब आप इसे कब ट्राई कर रहे हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।